ये आखिर क्या है ये? खाली ओटा लेना, चार मीनार के ऊपर कबूतरा बन के बैठ जाना। देखिए आप, आपके गली में कोई आता और जितने भी चले आए मेरे पास एक ही चीज पूछते, फिरोज भाई हमारे बेटे को नौकरी दिलाओ। हमारी बेटी काम करती करते, फिरोज भाई चार बच्चे हैं, मियाँ की तबीयत खराब है या मियाँ का इंतकाल हो गया, आठ बच्चे हैं, छह बच्चे हैं और पाप बिचारा एक बोल की आज पूरा हमारा शहर जो भी चल रहा, जिसके लिए मैं नाम दिया मेरा शरीफ हैदराबाद, ये कोई थी बाहर जाके पाप बिचारा अकेले कमाना साहब और दस दस बारह बारह पंद्रह जने उसकी कमाई के ऊपर पाप बिचारे इस तरह की जिंदगी गुजार ले रहे। पूरी दुनिया तरक्की कर रहा, हैदराबाद क्यों तरक्की नहीं कर रहा, और सिटी क्यों नहीं कर रहा? आज एक पार्टी और फिरोज खान आपके सामने आए, लूटने का जज्बा लेके आए, कुर्बान होने का जज्बा ले लेके आए। एक टाइम आप हमारे को भरोसा करिए और 11 के दिन किसकी भी चिट्ठी ले लेंगे, उनकी चिट्ठी ले लेंगे, डाल देंगे कांग्रेस को। एक टाइम में आ गया पावर में, फिर आप देखो आप लोग जो मैं बतला दूंगा, हुनर वाला शरीफ डेवलप्ड ओल्ड सिटी रहेगा, जिसका नाम मैं ओल्ड सिटी कर दूंगा। और उसके बाद आज की जो सूरत हाल है, यहां के बाल शरीफ और गरीब है और इनके खायद करोड़पति है, इंशाल्लाह मैं जब पावर में आ जाऊंगा शरीफ और अमीर रहेंगे अवाम और फिरोज खान गरीब रहेगा, याद रखिए आप। ये जज्बा लेके आया हूं मैं आपके सामने, उसके लिए साफ साफ लफ्ज में आपको समझा रहा हूं, बातों को गहरी नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपका है, आप आपका मुस्तकबिल आप बना सकते, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आप बना सकते। मेरे को किससे दुश्मनी नहीं है साहब, ना बीजेपी से, ना टीआरएस से, ना हिमाचल से, साथ ही मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अपनी सोच के ऊपर आपको 40 साल हुकूमत करे और 40 साल करना चाहते, अगर से वो डेवलप करते तो मैं माइक उठाने के लायक भी नहीं रहता, अगर से वो डेवलप करते। और कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान एक ही चीज, आप लोग डेवलप करा, क्योंकि जमहूरियत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता और कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता साहब, अगर से माइक फिरोज खान तरके दिन कुछ बन जाओ आपके दुआओं के तुफेल में, तो भाई वो पब्लिक सर्वेंट, वो तो मैं नौकर, याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं हूं पब्लिक सर्वेंट नौकर।